एनसी हिल्स इंडिजिनियस पीपुल्स फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा डीमा हसाब जिला को द्विखंडित कर दो पृथक जिला गठन किए जाने के साथ साथ पृथक स्वशासित परिषद गठन के मांग पर मंगलवार भोर 5 बजे से अनिर्दिष्टकालीन डीमा हसाब जिला बंद कार्यक्रम हाथों में लिया गया था और एनसी हिल्स पीपुल्स फोरम के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें सहयोग किया था। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन तथा आंदोलनकारियों के बीच काफी झड़प के वारदात सामने आए हैं। सहेल शहर हाफलोंग में मंगलवार को कई क्षेत्र में हिंसा की वारदात हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्र में पुलिस व बंद समर्थनकारियों के बीच संघर्ष की वातावरण छाया रहा और जिसके चलते कई लोग घायल भी हुए हैं। कई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और गैस भी छोड़ने पड़े। आंसू गैस के साथ साथ रबर बुलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस व बंद समर्थनकारियों के बीच संघर्ष में कम कर 7 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हाफलोंग सरकारी अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। डीमा हसाब जिले के हालात इन दिनों